music from home, subscribe to this channel and press the bell button. Namaskar. Pranam to all of my dear students, music learners, listeners and lovers. Myself Rachna Mehra from Toronto, Canada. Welcome all of you on my channel Rachna Mehra. In today's lesson, we are working on another variation of Dada Taal. All those three lessons I'm going to teach you on tabla today. Isn't it thrilling today? All right, you're moving forward. Let's see how the lesson goes. Hands tali and then on tabla. Okay, ready? तो चलिए हम लोग दादरा ताल के ये तीनों लेसन अब तबले पर लर्न करते हैं. सबसे पहले हम लोग इस लेसन को उंगलियों पर, हाथों की उंगलियों पर काउंट करते हैं. ये बहुत ही सरल और आसान लेसन है, और लेकिन जब इसको हम तबले पर बजाते हैं, संगत के साथ बजाते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है. सो द लेसन इज धा धा ती तक धा ती. वेरी सिंपल लेसन बट साउंड्स रियली ग्रेट. धा धा ती तक धा ती. हैंड्स ताली. धा धा ती तक धा ती. अगेन धा धा ती तक धा ती. अब हम तबले पर देखेंगे. ऑन तबला नाउ. धा धा ती. ती इज ऑन ला और ल. ती को हम ला और या लव यहां पर बजाएंगे इस तरह से. साउंड को जरा बहुत गौर से सुने और वैसे ही निकालने का आप सभी लोग प्रयास कीजिए. धा धा ती तक तक. सो का इन फास्ट स्पीड वी मेक दिस साउंड. तक धा ती. जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जब हम का को फास्ट स्पीड में बजाते हैं कई बार, तो हम का की जगह उसको समय को बचाने के लिए, टू सेव द टाइम, हम इसको इस तरह से भी लगा देते हैं, है ना? तो हम इस तरह से तक यहां पर लगा सकते हैं. तक. सो इन द मिडल बीट नंबर थ्री टी इज दिस एंड इन द एंड टी इज ओनली वन हैंड, दैट इज योर राइट हैंड. तीसरी मात्रा पर ती ऐसे बचेगा और अंत में छठी मात्रा पर ती केवल एक हाथ से बचेगा और तीसरी मात्रा में दोनों हाथों से इस तरह से. अंतिम मात्रा छठी मात्रा पर हम लोग इसको नहीं लगाएंगे, डग्गे को नहीं लगाएंगे. ती. तो यू सी हाउ क्लैरिटी ऑफ द साउंड दिस एंड totally two different sounds. So make sure you spend lots of time in practicing and understanding the sounds. Is your finger pronouncing the sound? Ti, ti, na, ta, na, or dha. दोनों तरह की जो ध्वनियां हैं, साउंड्स हैं, इसको अच्छी तरह आप समझकर फिर निकालें. ती में इस तरह से बननी चाहिए आवाज तबले पर और ता पर ऐसी. तक. ती इज दिस. तक या फिर धा में ये वाली साउंड ऐसे बननी चाहिए. इसके अंतर को समझने का प्रयास करें आप सभी लोग. ती और ये ता ना. यही साउंड बजती है धा में भी. इसका खूब रियाज करें और साउंड को बनाने की कोशिश करें. आपकी उंगलियों की जो आवाज निकल रही है, आपकी इस आवाज को वर्ण को बोलना चाहिए. कैसे? ती ती ती. देखा आपने किस तरह से ये आवाज बोल रही है? तो ये लाइक
किस तरह से कहा जाए कि ये एक जीती जागती बोली है जो हम उंगलियों से बजाते हैं और ध्वनि से उत्पन्न होती है ये बोली। ऐसे त त त तक तक ती। तो ये समझने का प्रयास करें, ये बहुत ही सुंदर बात है अगर आपके समझ में आ जाए एक बार कि तबले की जो भाषा है वो बोलती है आपकी उंगलियों के माध्यम से जो साउंड में आपको सुनाई देती है भाषा। बड़ी गहराई से इसको बैठें, समझें और फिर तबले की भाषा को निकालने का प्रयास करें आप सभी लोग। ती ती इसको है ती देखिए, थोड़ी सी हम स्पीड तेज करेंगे, उसकी गति को बढ़ाएंगे तो वो कैसी सुनने में लगती है, ये जो इसका प्रकार है तो किस तरह से वो लगता है जब हम थोड़ा सा उसको तेज बजाते हैं। देखिए जो पहला धा है वहां पर आप थोड़ा सा घसीट को लगाएंगे इस तरह से स्लाइड करते हुए, फर्स्ट बीट स्लाइड करेंगे हाथों को दबाकर इस तरह से। सो फर्स्ट स्लाइड बीट इज अ स्लाइड अब हम आते हैं मुखड़े पर, जो गीत के बीच में मैंने बजाया है वो मैं आपको सिखाती हूँ। चलिए उंगलियों पर देखते हैं पहले। तक धिन्ना किट तक, सेम पीस प्लेड टू टाइम्स। तक धिन्ना किट तक, अगेन एक ही पीस है उसका, उसको हमने दो बार बजाया। तक धिन्ना किट तक, तक धिन्ना किट तक, उसी चीज को दो बार बजा दिया, तीन मात्रे दो बार, तो इस तरह से बन गई छह मात्रा। किट तक, अगेन तक धिन्ना किट तक, तक धिन्ना किट तक, ताली तक धिन्ना किट तक, तक धिन्ना किट तक। नाउ ऑन तबला से दिन में गूंज पैदा करते हुए और खुली आवाज दिन ना, तो गूंज पैदा करनी है दिन ना में, दिन ना। दाहिने हाथ को थोड़ा सा उछाल कर इस तरह से दिन ना के दैट्स इट टू टाइम्स। तक धिन्ना किट तक, अगेन तक धिन्ना किट तक, तक धिन्ना किट तक, तक धिन्ना किट तक, तक धिन्ना किट तक।
पढ़ रहे हैं फक वन बीट डिन्ना टू फक थ्री फक फोर डिन्ना फाइव सिक्स बीट्स sound like that when you're ready to play. Not now. All right. Always pause my video, please, and practice a lot, and then move to the next lesson, please. बस इतना सही ये piece है, छोटा सा. जब आप इसको बजाने लगेंगे धीरे धीरे तो ये इस तरह से इसकी साउंड बनेगी. जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप हमारे वीडियो को पॉज कीजिए और उसको 10-15 मिनट तक प्रैक्टिस करिए. उसको फिर प्रैक्टिस करने के बाद फिर हमारी उंगलियों से कंपेयर करते हुए दोबारा फिर उसको चेक कीजिए. पॉज करके उसका ज़्यादा देर तक आप रियाज करें. अब एक और मुखड़ा करते हैं हम लोग. इस मुखड़े के बोलों को पहले उंगलियों पर देखते हैं हम लोग. ताक तन्ना किट तक तेरे किट तकता तेरे किट. ताक तन्ना किट तक तेरे किट तक तक तेरे किट. हैंड्स ताली. ताक तन्ना किट तक तेरे किट तक तक तेरे किट. हैंस ताली. ताक तिन्ना किट तक तेरे किट तक तक तेरे किट. ताक तिन्ना किट तक तेरे किट तक तक तेरे किट. चाहे आप ताक बोलें या तक बोलें, ये एक ही बात होती है. दोनों ही ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं. चलिए अब तबले पर देखते हैं इसका निकास. ऑन तबला नाउ. ताक ताको और तक इज द सेम थिंग. ताक तिन्ना तिन्ना. बिफोर लेसन यू हैड धिन्ना राइट. सो तिन्ना इज द ऑपोजिट ऑफ दैट. खाली पार्ट तिन्ना राइट. पिछले लेसन में हमने धिन्ना किया था, अब हम कर रहे हैं तिन्ना. तो धिन्ना का खाली बोल होता है तिन्ना और तिन्ना का भरा बोल होता है धिन्ना, है ना. बस फर्क केवल हाथ ये डग्गे साइड का होता है कि हाथ डग्गे साइड में जो हाथ हम यूज करते हैं हमारे बाएं हाथ में, तो वो बस उसका अंतर होता है, बाकी सेम ही चीज है. खाली भरी की बात है. बीट नंबर वन एक्सक्यूज मी ताक. बीट नंबर टू तिन्ना. बीट नंबर थ्री किट तक सेम. फोर तेरे किट. फाइव तक तक. एंड देन सिक्स तेरे किट. बीट नंबर वन ताक. बीट नंबर टू तिन्ना. बीट नंबर थ्री किट तक. फोर तेरे किट. फाइव तक तक. सिक्स. गिव यू वन मोर टाइम प्रैक्टिस. ताक तिन्ना किट तक तेरे किट तक तक तेरे. हाउ इट विल साउंड लिटिल फास्टर. ताक तिन्ना किट तक तेरे किट तक तक तेरे किट. इसको जब हम फास्ट बजाएंगे तो देखिए कैसा लगेगा सुनने में. देखिए of weight. We used to practice with the weights in the hand to develop weight in the hands. Okay, so you got to initially you have to practice really really hard. When you are doing riyaz, hands must be very very hard
डोंट वरी हाउ बैड इट साउंड्स, डोंट वरी, बट व्हेन यू परफॉर्म समवेयर देन यू प्ले इजी, बट व्हेन यू डूइंग रियाज वेरी हार्ड, ओके। इसके अलावा आप दोनों ही मुखड़े को कंबाइन करके भी बजा सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगता है। देखिए किस तरह से, ताक तिन्नाक तक, ताक तिन्नाक तक, ताक तिन्नाक तक, तिरिक तक तक, कैसे, देखिए किस तरह से मिक्स करना है आपको, ताक तिन्नाक तक, ताक तिन्नाक तक, ताक तिन्नाक तक, तिरिक तक तक, तिरिक। अब इसको थोड़ा सा फास्ट बजाएंगे तो कैसा लगेगा वो भी देखिए, भी देखिए। है ना, फिर से देखिए, तक 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 तक। राइट, ठीक है, इस तरह से भी आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। शुरू शुरू में जब आप रियाज करते हैं, हम भी रियाज जब करते थे तो हैवी हैंड्स के साथ रियाज करते हैं, तो इसकी चिंता नहीं करना है आपको कि सुनने में खराब लग रहा है, देखने में खराब लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको, क्योंकि आपको अपने हाथों में थोड़ा वजन बनाना है, तो आप पीट कर उसको जोर से बजाएं, और रियाज करते समय इस चीज का ध्यान रखें, खूब जोर जोर से आप बजाएं, हैंड्स हैवी पड़ने चाहिए, ताकि जब आप परफॉर्म करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वेरी कंफर्टेबल और इजी फ्लो बनेगा, उस वक्त आपको ज्यादा जोर से मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो बोल साफ निकलकर आपके हाथों से सुनाई देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप रियाज करें तो काफी हैवी हैंड्स के साथ करें, दोनों हैंड बहुत जोर से पड़ने चाहिए तबले पर, लेकिन जब परफॉर्म करेंगे तो बड़ा लाइट, बहुत हल्के हाथों से ही करेंगे आप, तो अपने आप ही अच्छा लगेगा फिर, क्योंकि आपके रियाज का रिफ्लेक्शन आपके हाथों में दिखाई देगा। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये लेसन बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और कोई भी प्रश्न अगर आपका हो तो आप इस लेसन से रिलेटेड आप जरूर पूछें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दें आप अपना प्रश्न। एक चीज और जो आपको बताना चाहती हूँ कि शुरू शुरू में आपसे ज्यादा रियाज नहीं हो पाता लंबे समय के लिए, तो आप 10 मिनट से शुरू करें, 15 मिनट से शुरू करें, और धीरे धीरे अपने रियाज के समय को बढ़ाएं, हर एक दिन एक एक मिनट को बढ़ाएं, जिससे कि आपका स्टेमिना बने, है ना, आपकी शक्ति बने, आपका बल बने ज्यादा देर तक अच्छा तबला बजाने के लिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, एक एक मिनट बस बढ़ाएं रोज, धीरे 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 धीरे, इस तरह से अगर आप अपने मिनट्स बढ़ाएंगे तो आप फिर एक घंटे तक रियाज कर सकते हैं बिना रुके हुए, तगड़ा रियाज, जिसको करने के बाद आपको महसूस हो कि हाँ मेरा पसीना निकल गया, मैंने व्यायाम किया, कुछ कसरत की है, ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा आपको, फिर उसको बढ़ाते जाइए आप धीरे धीरे। हियर आई वुड लाइक टू टेल यू इन दिस लेसन नंबर 69, आई एम नॉट गोइंग टू अटैच द वादन ऑफ दीज लेसन्स, फॉर दैट पर्पज आई एम गोइंग टू अपलोड एनदर सॉन्ग वीडियो इन विच आई एम अप्लाइंग ऑल दीज थ्री लेसन्स फॉर यू, विच विल बी द सेकेंड पार्ट ऑफ तबला क्लास लेसन नंबर 69. So this is the part 1 and the song practice will be part 2 of the same lesson. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस लेसन के वीडियो में मैं वादन साथ के साथ अटैच नहीं करूँगी, इसके लिए मैं सेकेंड हाफ बना रही हूँ इसका। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको कराया तबला क्लास लेसन नंबर 69 में ये सारे तीनों लेसन्स, और इसका जो सेकंड पार्ट होगा तबला क्लास लेसन नंबर 69 पार्ट 2, उसमें मैं इसका वादन एक गीत के साथ आपके लिए लेकर आ रही हूँ, जिस पर आप अपने तीनों लेसन्स को तैयार करने के बाद आप उसके साथ प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं, और आपको पता लगेगा कि किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। पहले मैं अटैच कर देती थी उसके साथ ही, तो लेकिन अब मैं उसको सेपरेट करूंगी,
तो आपको आसानी भी रहेगी। तो इसका वादन इस वीडियो क्लास में अटैच नहीं है, वो राइट आफ्टर दिस लेसन जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी उसमें आपका वादन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप all you understand your lesson. If you have any question, please feel free to ask me. So this is all for you today. I gave you 3 lessons today in this video. Practice, and very hard practice, non-stop, and you have to increase the minutes in practice. If you practice 15 minutes, increase every day 1 minute, so you should be able to practice an hour non-stop until you get the sweat, real good workout. पूरा आपका व्यायाम जैसा हो जाना चाहिए, खूब जम के रियाज करना चाहिए, पसीना पूरा निकले आपका अच्छे से, तब असली रियाज है, है ना? So I would like to rest my lesson here. Stay safe, stay blessed. Have a wonderful day. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. To learn singing and tabla, free of cost, from Rachna Mehra, please click the subscribe button below. Also, make sure to click the bell button and turn on your YouTube notifications to watch videos as soon as they are posted.